खुश रहो। अरे बेटा, अनुपमा कहाँ है? मोम में अभी देखती हूँ कि अनुपमा दीदी कहाँ है। हाँ। वीर, वीर, अनुपमा दीदी को देखा? अनुपमा दीदी शायद बाहर होंगे। दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा। अनुपमा बेटा, अनुपमा बेटे। पापा, दिल ही छोटा सा छोटी सी। बस बस बस, बहुत हो गया। रिद्धिमा बेटा, जाके पूजा की थाली लेकर आओ। जी मॉम। पूजा की थाली? हमारी अनुपमा का जन्मदिन है आज। ये लीजिए मॉम। थैंक यू मामा। हैप्पी बर्थडे बेटे। थैंक यू पापा। मेरा बस चलता तो मैं अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशियां देता, लेकिन मेरे हीरे जैसे बेटे के लिए हीरो का हार। थैंक यू दीदी। वैसे गिफ्ट तो मैं भी लेके आया हूं।
सूरज सर पे चढ़ गया है, और कितना सोएंगे महारानी जी? अगर आप कहें तो आपके लिए 2-4 नौकर रख देती हूँ आपको उठाने के लिए। अनुपमा बेटा, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। बहुत बहुत इतनी बार कहा है, मेरे पांव मत छुआ करो। बद्री काका, आप क्यों मुझे अपने पांव छूने से मना करते हैं? आप तो हमारे बुजुर्ग हैं ना, आपका आशीर्वाद लेने का हक नहीं है मुझे? पूरा हक है, तेरे लिए आशीर्वाद तो मेरे दिल से निकलता है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, काम कर रहा था। जल्दी से नाश्ते की तैयारी करो। जी। बद्री काका, मैं अभी आई। ठीक है बेटा। हे भगवान, पापा ने मुझे माँ के कमरे में जाने से मना किया है, लेकिन बहुत मन कर रहा है कि माँ के कमरे में जाके उनसे अपने जन्मदिन का आशीर्वाद लूं। बस भगवान, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। पापा ने कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है माँ की। माँ, अगर कभी भगवान मेरे सामने आए और मुझे कुछ मांगने के लिए कहें, तो मैं यही मांगूंगी कि मुझे मेरी माँ लौटा दो। आपकी चीजों को छूकर आपके होने का एहसास होता है मुझे। जी लेती हूँ। ऐसा लगता है जैसे माँ का लाड और दुलार छू जाता है मुझे। भगवान से आपको मुझसे छीन लेने की शिकायत तो करती हूँ, पर भगवान का शुक्रिया करना भी नहीं भूलती कि मेरे साथ मेरे पापा हैं, उनकी छत्र छाया मेरे सिर पर है। दीदी,
अनिरुद्ध माँ। फुर्सत मिल गई आने की आपको? वो मैं पापा का I don't care। ये प्रेस कौन करेगा? बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। हर रोज तुम्हारी वजह से मैं कॉलेज के लिए लेट होती हूँ। Now go and iron this fast। सॉरी, मैं अभी कर देती हूँ। मॉम, मॉम, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये देखो अनुपमा ने क्या किया। इसका रंग निकल गया है। This was my favorite dress. अनुपमा, अनुपमा, क्या है ये? वो ये इसका रंग ही कच्चा था। तो फिर ध्यान से धोना चाहिए था ना तुम्हें? अरे इसका ध्यान कहाँ रहता है? 20 साल से झेल रही हूँ इसे। पता नहीं भगवान ने इस मनहूस को क्यों भेज दिया मेरी जिंदगी में। अरे शुक्र मनाऊंगी भगवान का जब तू जाएगी इस घर से। ये जलने की बू, ये जलने की बू कहां से आ रही है? पता भी नहीं चलेगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं जले हुए कपड़े को ठीक करके नहीं पहनती। Now just get out of my room. Out. और इसे अपने साथ लेकर जाओ। अब खड़ी क्या हो? Go. जाओ। जाओ। मुझसे हर बार गलती क्यों हो जाती है? मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती, किसी को नाराज नहीं करना चाहती, पर न जाने क्यों ऐसा ही होता है। आज फिर मैंने माँ और रिधिमा को नाराज कर दिया। मैं हुई ऐसी, कुछ नहीं आता मुझे, कुछ नहीं। भगवान, जब मैं किसी को खुशी नहीं रख पाती तो मेरे जीने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे अपने पास बुला लीजिए भगवान, मुझे मेरी माँ के पास बुला लीजिए, बुला लीजिए। नहीं बालिके, मैं निराशावादी मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं करता। जीवन अनमोल है, जीने के लिए उसके लिए ऐसी बद्दुआएं मत मांगो। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में हंसी, खुशी और मुस्कुराहटें देखना चाहता हूं। जिंदगी जीने का नाम है, आंखों में दुख के आंसू भरकर मौत की दुआ मत मांगो। कह दीजिए उन लोगों से जो मेरे दुखों और आंसुओं का मजाक बना रहे हैं, मैं उनका मजाक सुनने के मूड में नहीं हूं, नहीं हूं। ठहरो बालिके। Happy birthday to you. क्या हुआ? क्या हुआ दीदी?
कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये कुछ नहीं हुआ दीदी? नहीं वीर, वो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी ना। समझ गया, आप कपड़े प्रेस कर रही होंगी और ये ड्रेस चल गई होगी और पीछे से माँ और रिधिमा आप पे चिल्लाए होंगे और आपने जल्दबाजी में अपना हाथ चला लिया। प्लीज दीदी, खुद को दर्द देकर औरों की गलतियों पे पर्दा डालना बंद कर दीजिए। चलिए चलिए दीदी, चलो दीदी, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कम ऑन सिट। क्या कर लेते हो आप भी? यस यस यस। क्या बात है, बड़ा लाड़ आ रहा है अपनी बहन पर? भैया अपनी बहन के जख्मों पर मलहम लगा रहा है मामा, आज दीदी का बर्थडे है तो, और उन्हें विश करना तो आप जरूर भूल गई होंगी, लेकिन उनसे काम करवाना ये आप नहीं भूले। ये देखिए, दीदी का हाथ भी चल गया। एनीवेज, मैंने एक फैसला किया है, आज हम सब मिलकर दीदी का बर्थडे मनाएंगे। नहीं वीर, मेरा जन्मदिन नहीं। दीदी, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, नथिंग। अगर आप दोनों मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मेरी ये बात माननी होगी। हेलो माया, आज का दिन तुम भूली तो नहीं ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला आज का दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? पूरी तैयारी हो चुकी है जी, बस वही करने जा रही थी। देखो माया, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मैं वक्त पे पहुँच रहा हूँ। जी ठीक है, आप आ जाइए, आपके आने तक सारी तैयारियाँ हो जाएंगी। बेटा, हम तुम्हारी बहन का जन्मदिन जरूर मनाएंगे और बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। Yes, that's like my mom. अब देखो दीदी, हम पार्टी में क्या धमाल करते हैं। Yes. हाँ बेटा, सारी तैयारियां हो जाएंगी। अनुपमा, इतना यादगार बर्थडे होगा तुम्हारा कि तुम कभी भूल नहीं पाओगी। मैं तो अभी से इंतजार करने लगी। अब देखो, माया की माया। ना ना दीदी, आंखें मत खोलना, सरप्राइज है सरप्राइज। नो चीटिंग, नो चीटिंग। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी? चलो अब जल्दी से नीचे चलो। हैप्पी बर्थडे अनुपमा। थैंक यू। चलो बेटा, केक काटते हैं। पापा भी आ जाते तो? आ जाएंगे, आओ तो सही। Set.
क्यों मनाया जा रहा है इसका जन्मदिन? इसके जन्म से मेरी जिंदगी की कोई खुशी नहीं जुड़ी है। हाँ, मेरी जिंदगी के सारे गम जरूर जुड़े, क्योंकि इसके जन्म होते ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरी किरण मुझे छिप गई थी। कहते हैं कि बेटी बाप का अच्छा नसीब होती है, घर को बरकत से रोशन कर देती है, लेकिन इसके जन्म होते ही मेरी जिंदगी में और मेरे घर में सिर्फ अंधेरे भर गए थे। इसने मेरी जिंदगी की खुशी, मेरी किरण को मुझसे छीना है, वो मेरे लिए अमंगल है, अमंगल है, अमंगल है। अशोक, 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 अभिषेक, 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 अभिषेक। मैंने तुम्हें फोन करके कहा था ना कि शराब की तैयारी हो जानी चाहिए। जी जी, मैं वही तैयारी कर रही थी, मगर अनुपमा का मन था उसका जन्मदिन मनाने का, तो इसलिए 5 मिनट के अंदर अंदर ये सब साफ हो जाना चाहिए। नानी, आज दीदी का जन्मदिन भी है। तो फिर क्या हुआ भाई, एक दिन में तो एक ही चीज मनाई जा सकती है ना भाई, चाहे इसका जन्मदिन मना लो तो चाहे इसकी माँ का मरण दिन मना लो।